Enggak, enggak. Slow, slow gerak. मैंने अपना दिल का आवाज़ सुना है। मैं अपने त्रिपुरा साहब को और हमारे त्रिपुरा के लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। हमने कहा था कि जब तक राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन ग्रेटर त्रिपुरा के बारे नहीं देगा तब तक हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मीटिंग हुआ, अच्छे तरीके से मीटिंग हुआ, हमारे लीडर्स भी गए, मैं भी गया। अगर हम लोग नहीं जाते तो सब लोग बोलते कि बुलाने से भी नहीं गए। हम लोग गए वहाँ में, हमने बात किया और जो मुझे लगा कि अगर हमने अपने आइडियोलॉजी को, अपने मूवमेंट को डाइल्यूट किया तो ये हमारे त्रिपुरा साहब के संग गद्दारी होगा और मैं कभी भी अपने त्रिपुरा साहब को आँख में आँख मिलाकर देख नहीं सकता। बहुत प्रेशर था, मैंने अपना दिल का बात सुना है। 1977 से कोई भी आंचलिक पार्टी कोई भी इलेक्शन में बिना अलायंस के नेशनल पार्टी के संग नहीं लड़ा है। इससे पहले हर आंचलिक पार्टी ने अलग अलग बड़ा बड़ा बात किया है, इलेक्शन के पहले जाकर लास्ट मोमेंट में कुछ अंडरस्टैंडिंग किया है, कोई साइनिंग किया है, हाई पावर्ड कमेटी हो या ये कमेटी हो, और इलेक्शन के बाद हम त्रिपुरासा लोगों को कुछ नहीं। मैं अपने त्रिपुरासा को धोखा नहीं दे सकता, मेरा एक कमिटमेंट है मेरे लोगों को। पूरा ज़िंदगी मैं जिंदा नहीं रहने वाला हूँ, लेकिन जब मैं जाऊँगा ऊपर वाले के पास तो एटलीस्ट एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने लोगों के लिए एक वन लास्ट फाइट किया। Bhavagra, what about Congress and CPIM party? I am fighting the election on my own and I'll fight for my people. They may have big leaders, उनके पास बड़ा बड़ा लीडर होगा, हमारे पास गॉड है, भगवान है। We will fight in the name of God. जीतेगा तो जीतेगा, हारेगा तो हारेगा, लेकिन एक बात है, अगर भगवान हमको मदद नहीं करता है, अगर गॉड भी हमको मदद नहीं करता, तो उनको भी हमारा तीन रसा लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सच्चाई का रास्ता में फाइट कर रहे हैं। हम लोग किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो अब देखेंगे। लेकिन अब मैं जाता है अपना कैंडिडेट का लिस्ट निकालूंगा और मैं अपने सब त्रिपुरासा वॉरियर्स को और अपने त्रिपुरा मोथा और अपने त्रिपुरा के लोगों को, जो भी हो, बंगाली हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को हंसा चाहिए या आप लोगों को कुछ लीडर को देखना है? अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं ये फाइट कर रहा हूँ, आपके लिए फाइट कर रहा हूँ। और अगर आपका पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आप मोथा को हराने की कोशिश करोगे तो इलेक्शन के बाद आप देख लेना हम लोगों का क्या होगा। ये फाइट एक आदमी का नहीं है, ये फाइट हमारा पूरा दफा का है और ये फाइट मैं दफा के लिए फाइट कर रहा हूँ। अगर आपने दफा को नहीं देख कर अपने बारे सोचा तो आप लोग स्वार्थी हैं और आपने झूठ बोला है भाषण में, क्योंकि आपका दिल सफा नहीं है। मैं खुले दिल से फाइट करने वाला सिंगल हूँ। सुबह सर, जो आप लोग का जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड, वो अभी एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, उसके बारे में ये आप कौन सा चैनल से बोल, डोंगर से बोल? अगर एक्सेप्ट होता तो हम क्यों अलायंस नहीं करते? लेकिन अगर मुख से बोला और राइटिंग में नहीं दिया तो मैं अपने लोगों को क्या बोलूँगा? मैं अपने त्रिपुरासा लोगों को क्या बोलूँगा कि हमने 2 साल तक आंदोलन किया, उसके बाद दिल्ली में गए, कुछ भी बोल दिया, हमने मान लिया, बाद में हमको त्रिपुरा में रहना है, ये दिल्ली के लीडर्स लोग वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन अगर हमको राइटिंग में नहीं दिया गया तो हम क्या बोलेंगे अपने लोगों को? मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपना दिल का बात सुना है। बहुत लोगों ने बोला कि दिल से मत सोचो बुबागरा, लेकिन मैं अपना दिल के आवाज़ में जा रहा हूँ और मैं अपने त्रिपुरासा को धोखा नहीं दे सकता। इस बार तो मैं फाइट करूंगा। कितने सीटों में फाइट कर रहे हैं? 35 से ऊपर में फाइट करूंगा, 40, 30, 40, 35, 40, 45, जो भी होगा हम लोग देखेंगे। आज ही लिस्ट निकल रहा है। What will be the final and last message from here to the our Tripura? पूरा जिंदगी लड़के रहने से, किसी का गुलामी करने से एक बार इम्पोर्टेंट है, अपने दफा के लिए फाइट करो। मैं कर रहा हूँ, आप करो,
जो भी होगा भगवान देखेगा। और हमारा पावर ऊपर से आता है, कोई दिल्ली से नहीं आता, कलकत्ता से नहीं आता है, हमारा पावर ऊपर से आता है। और ईश्वर के नाम में हम लोग फाइट करेंगे और हम लोग सच्चाई के रास्ते में फाइट करेंगे। जीतेंगे तो जीतेंगे, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन एक बार तो फाइट करके पूरा इंडिया को दिखाएंगे हम भाई। थैंक यू। हमारे को शक करो नहीं सदे दो सदे दो सदे दर ठीक है। अरे टच बेस अच्छा ठीक है।